Hello student, today's topic is representation of rational number on number line. First thing which I going to discuss, the representation of the positive rational number on the number line. एक बार पॉजिटिव देखेंगे, फिर एक बार निगेटिव देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। हर टाइप के एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 3/4, ठीक है। 3/4 को हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। ये है हमारी नंबर लाइन, बीच में 0 लिख देंगे। इधर पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, ठीक है। इस नंबर लाइन में दोनों तरफ एरो बना होना चाहिए, ये आपको मालूम है। देखो, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और एक जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो यहां पर क्या है, यहां पे न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर होता है तो वो नंबर लेस देन 1 होता है, ठीक है। मैं इसको अलग से लिखूं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो उस नंबर की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो ये नंबर जो भी रिप्रेजेंट होगा हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। चूंकि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो हम लोग करेंगे क्या, 0 और 1, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4। तो यहाँ पे हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। 0, 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा, बता रहा हूं, सबका लिख दूंगा और जो हमारी जरूरत है उसको भी लिख दूंगा। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा 1/4, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा 2/4 और तीसरा रिप्रेजेंट करेगा 3/4, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है, ये इसी पैटर्न के हिसाब से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 4/4 और 4/4 का मतलब 1, तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हमें जरूरत किसकी है, क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है इसे, तो हम बस इसे ही मार्क करेंगे, 3/4 को, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ले लिया जाए इसी टाइप से, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं इसको इरेज करके आपको फिर से बताता हूं एक और एग्जांपल। चलिए इस पर ले लेते एग्जाम्पल। थ्री बाई फाइव का ले लेते हैं, ठीक है, 3/5। इसमें भी देखो आप तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो नंबर 1 से छोटा होगा। ये पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो और इसका डिनोमिनेटर कितना है 5, तो हम लोग जो है 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 4 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4। देखिए 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसा कि मैंने बता दिया कि पहला वाला क्या बताएगा 1/5, दूसरा वाला क्या बताएगा, ये पहला, ये फर्स्ट वाला, ये बताएगा 1/5, फिर ये बताएगा 2/5, ये बताएगा 3/5। तो यही तो हमें जानना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 3/5। मैंने डायरेक्टली लिखा इस बार और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेके देखा जाए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार जो एग्जाम्पल है प्लॉट करने के लिए उसमें हम न्यूमरेटर को बड़ा लेंगे, ठीक है, और उसका भी तरीका बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 8/3, ठीक है, 8/3। यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन आप कन्वर्ट करोगे आएगा 2 होल 2/3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/3, जो इसका होल पार्ट है ना उसको प्लस लगाकर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8/3 का मतलब हुआ 2 + 2/3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 2, सबसे पहले हमें 2 तक जंप कर जाइए। आगे यहाँ क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है ना, यहां तक पहले आप जंप कर जाइए, ठीक। अब यहां के बाद से 2/3 और रिप्रेजेंट करना है। तो 2/3, अब इसको रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचिए। 2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहां पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो थ्री इक्वल पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट है वो 1/3 को बताएगा, सेकेंड पार्ट 2/3 को बताएगा। तो ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये 2 के आगे है तो ये होगा 2 होल 2/3, और 2 होल 2/3 का क्या मतलब है 8/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल लेकर भी बताते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लिया जाए। इस बार ले लेते हैं हम लोग 4/3। ठीक है, अब 4/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 होल 1/3। 1 होल 1/3 का मतलब 1 + 1/3 है ना। चलिए रिप्रेजेंट किया जाए, तो यहां है 1, तो यानी कि सबसे पहले आप 1 तक जंप कर जाइए और इसके बाद से 1/3 और रिप्रेजेंट करना है, तो इसके आगे 1/3 रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पहला जो पार्ट होगा वही जो है 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये 1 के आगे है तो ये होगा 1 होल 1/3 और इसका मतलब हो गया 4/3। तो एक्चुअल में ये 4/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आते हैं हम लोग निगेटिव रैशनल नंबर्स पर, कि अगर रैशनल नंबर्स निगेटिव हो तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। नेगेटिव रैशनल नंबर्स, तो इसमें भी 2 टाइप का देखेंगे हम लोग। एक टाइप देखेंगे जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और एक देखेंगे जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो। ठीक है, तो न्यूमरेटर छोटा वाले की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4/5। इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, तो जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है तो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आगे लिखा है माइनस, माइनस का मतलब है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। यही तो पढ़ते आए ना कि इस साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो आगे अगर नेगेटिव साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करेंगे और 4/5 तो जैसे वहां रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही करेंगे, बस लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। तो 4/5 यानी कि 0 और 1 के बीच में हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। 1 2 3 4 4 लाइन्स ड्रॉ कर दिया तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो पहला वाला नंबर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/5। मैं लिख दूं क्या छोटा छोटा यहां पर, पहला नंबर 1/5, दूसरा वाला 2/5 होगा, तीसरा वाला 3/5 होगा, सब माइनस में रहेंगे, चौथा वाला क्या होगा -4/5 जिसका हमें काम है, तो उसको मैं अलग से लिख देता हूं ऊपर, -4/5 और पांच वाला कितना होगा ये भी आपको मालूम, -5/5 का मतलब -1 जो कि दिख रहा है। वो हमें मेन मतलब किससे है, इस नंबर से, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल को देख लिया जाए। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है इसको नोट करते रहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर लें। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं इसको इरेज कर दूं। इस बार एग्जांपल ले लेते हैं। कितने एग्जाम्पल ले लिया जाए, -5/7, इसमें भी न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 7 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है तो 6 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको 0 और -1 को जो है हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला वाला क्या बताएगा, 1/7, दूसरा 2/7, 3/7, 4/7 और ये फिफ्थ वाला ये बताएगा -5/7। ठीक है, तो इसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है, यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग एक ऐसे एग्जांपल्स में आते हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसे। एग्जाम्पल ले लिया जाए, -5/2। ठीक, देखो माइनस साइन अंदर बाहर लगा दो और अंदर क्या होगा, 5/2। माइनस साइन और अंदर क्या लिख सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में समझाया था मैंने, 2 होल 1/2। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आपको आता होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। क्या लिख सकते हैं आगे, 2 + 1/2। ठीक है, देखो यहां पे ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है। ये माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। ठीक है, और 2 + 1/2, तो पहले मैं बोला लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक जंप करना है, 2 तक। जो यहां लिखा होता है पहले वहां तक जंप कर लेते हैं ना, और फिर इसके बाद से 1/2 इसके आगे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके आगे 1/2 रिप्रेजेंट करने के लिए जो आगे का कॉलम है उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो पहला पार्ट होगा वो बताएगा 1/2 को। भाई 1/2 का मतलब हाफ होता है, तो उसके आगे वाले को हाफ कर दीजिए, काम खत्म। ये -2 के आगे है तो होगा -2 होल, और 1/2 और है ना एक्स्ट्रा, ये कितना है 1/2 है ना, लेफ्ट साइड में है तो -1/2। ठीक, और ये कितना है -2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा -2 होल 1/2, और इसका मतलब कितना हुआ -5/2, जो हमें रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे इस पे बेस्ड। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग। चलिए एग्जाम्पल और ले लिया जाए। जिस बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो वो चाहे तो मुझे चैट कर सकता है या राइज हैंड करके मुझसे पूछ सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल लिया जाओ। इस बार कैसा एग्जाम्पल ले लें जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। चलिए ले लेते हैं। -7/4। ठीक है, माइनस साइन बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 7/4 माइनस ब्रैकेट में 7/4 का मतलब 1/3/4। इसका मतलब 1 + 3/4। ठीक है, माइनस साइन ये हमें समझा रहा है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। सबसे पहले चलते हैं -1 तक। ठीक है, इसके बाद 3/4 इसके आगे रिप्रेजेंट करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, 3/4 रिप्रेजेंट करने के लिए जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर है 4, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो उसके आगे का कॉलम 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला वाला बताएगा 1/4, दूसरा वाला 2/4, और तीसरा वाला जो है ये बताएगा हमें क्या, 3/4। तो यहां से यहां तक कितना है -3/4। इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या लिख सकते हो आप, -1 होल 3/4। और इसका क्या मतलब हुआ, -7/4, जिसको हमें रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से मैंने आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को भी प्लॉट करना बता दिया और निगेटिव रैशनल नंबर्स को भी प्लॉट करना बता दिया। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, एक क्वेश्चन में चलिए हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन में बहुत फास्ट करूंगा, ठीक है। रिप्रेजेंट 5/2 एंड -2/5 ऑन सेम नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन पर दोनों को प्लॉट करना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ढेर सारा रहेगा और बोलेगा एक ही नंबर लाइन प्लॉट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके बस प्लॉट कर लेंगे। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मिडिल में हो गया 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, सबसे पहले चलिए 5/2 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फॉर 5/2, 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 होल 1/2। इसका मतलब 2 + 1/2। ये पॉजिटिव नंबर है तो हमें राइट हैंड साइड में प्लॉट करना है। तो 2+ यानी कि हमें सबसे पहले कहां तक जंप करना है? 2 तक। ठीक, इसके बाद कितना जंप करना है? 1/2 इसके आगे। तो 1/2 कैसे रिप्रेजेंट करें? इसके आगे वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और जो पहला वाला जो है ये 1/2 को बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये किसको बताएगा? ये बताएगा हमें 2 होल 1/2 मतलब 5/2। इसी तरीके से फॉर -2/5, यहां तो न्यूमरेटर छोटा है ना, तो जब न्यूमरेटर छोटा है तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में प्लॉट होगा। तो 0 और 1 के बीच में प्लॉट करते हैं। ये डिनोमिनेटर में 5 लिखा है तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो ये मैंने 0 और 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो ये निगेटिव नंबर है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट करना है, इसीलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया है। पहला वाला बताएगा 1/5, दूसरा वाला बताएगा 2/5, यानी कि हमारा आंसर यही है -2/5। यही है हमारा आंसर। तो मैंने दोनों नंबर को प्लॉट कर दिया है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम प्लॉट कर देंगे। आप धीरे धीरे जब कर देंगे इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना, कुछ जब 2, 4, 10 न्यूमेरिकल्स लगा लोगे तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि ये जो चीजें हैं ना ये आपको दिखानी ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बता दोगे यही होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब तक एक्सपर्ट नहीं हुए हो तब तक आप जो है इसके साथ रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, ताकि गलतियां ना हो। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? आज हम लोगों ने पढ़ लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स, और फिर हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया है। इसके नेक्स्ट डेट पे हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर के बीच में एक्स्ट्रा रैशनल नंबर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डेट पर।